हमारी दूर भाभी का बर्थडे रखने वाला है, अभी एक घंटा है, तो ये उनका गिफ्ट है मेरे लिए एडवांस के। एडवांस, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। घर पार्टी है? घर पार्टी कहाँ पे? वहीं पे, घर पे। घर पे नहीं यार, बाहर वाली कर दो। चलो चलो बाहर ही दूंगी, ठीक है? ओके थैंक यू सो मच। ये गिफ्ट शॉप है, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ है यहाँ पर। समीर ऊपर जा रहे हैं अपनी दोनों भतीजियों को लेकर। वो पीछे लग कर आएंगे आ रहे। हाँ जबरदस्ती लेकर आए हो। आई हाँ रहते भाई, परेशान दुखी आत्मा। इन्होंने परेशान कर दिया। मैंने परेशान करा, तुमने कर दिया परेशान। हाँ मेरे नाम कुछ बनाया भी है। गाइस ये नियॉन लाइट देख सकते हैं आपने, काफी कलरफुल किया हुआ है इन्होंने दीवारों को। जिसको भी ऐसे नियॉन लाइट बनवानी हो तो वो अत्य भाई की शॉप पर आए। मैं इनकी आईडी मेंशन कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा है पूरा? माशाल्लाह। ये माशाल्लाह है, ये अल्हम्दुलिल्लाह है, ये अल्लाह है, ये माशाल्लाह है, मोहम्मद है। और ये हैप्पी एनिवर्सरी है। और ये हैप्पी एनिवर्सरी नीचे लिखा है फ्रॉम यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जैन 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 जाहिद। ओह अतिया दिल्ली की शॉप, दिल्ली सिक्स गिफ्ट शॉप। और ये ही समीर की फोटो। ओहो मैं भी हूँ यहाँ पर, ये देखो। और ये जिनकी शॉप है, और भी लोग हैं यहाँ पर, शान भी है। और मैं ही नहीं हूँ यहाँ पर, कहीं पर कौन है? इधर आओ तुम। ये तो ही मेरी फोटो लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी। और हाँ मेन चीज गाइस देखें, ये देखो मैं दिखाती हूँ क्या लिखा हुआ है। परेशान करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं ना इस वजह से। ये देखो ये देखो यूट्यूब, ये तो मेन आइटम है। जिसका भी यूट्यूब को बनवाना है ये भी बनेगा यहाँ पर। अबे वाह ये तो नूर का जहाँ है। अबे और ये तो हमारा ही है, बहुत प्यारा है। वाची वा। और ये देखो ये देखो, और क्या 2000 रुपए का ये देखो, ये निकाह पेन है जो मैंने भी अपने निकाह में यूज करा था। हाँ और ये देखो ये देखो इधर भी लगे हुए, ये वाला चाय फ्लावर वाला, ये देखो। जिसको भी चाहिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे फोटो और नाम, फोटो और नाम दोनों बहन लिखा हुआ है। बहन भाई, बहन और भाई, बहन भाई भी छोड़े। अरे अरे ऐसे ही मतलब नाम के लिए ये सब लगा रखा है इन्होंने। और ये है नाम वाली लॉकेट चैन, सब है यहाँ पर। तो ये भी है निकाह दुपट्टा भी है, निकाह के दुपट्टे भी हैं। और नाजिश की दुल्हन, और सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और इसका नाम है ये दिल्ली सिक्स गिफ्ट शॉप। ओके बाकी सब चीजें इधर, फोटो मग, मैजिक मग। ओहो राजेश साहब भी हैं यहाँ पर, ये रहे। और भी सब हैं यहाँ, साइम है, साकिब है, और रिंग्स भी हैं, रिंग्स का भी है। और ये देखो ये फ्लावर वाली है, ओपन ओपन फ्लावर वाली रिंग है। टच नहीं करना है, और किसी चीज को टच नहीं करना है। इफा ये डुप्लीकेट डॉल। ओह ये कौन है? अबे ये तो अति अभी है, ये तुम ये छोटा सा थी, अब वैसे छोटा सा है और छोटा हो गया इसमें काफी अच्छा है। तो अब आ जाओ यहाँ पर, ये चीजें देखो। म्यूजिक का है ये सैयद साहब है, ये बेटर टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखो किसी को नाइट, ये वो नहीं है।
किसी को नाइट में यूज करना हो बल्ब ये। ये मैं गाइस एक अच्छी चीज बताती हूँ, ये मैं बताता हूँ ये हम इनके बर्थडे पे गए थे, कौन पे गए थे, रफ्तार क्लब में गए थे, ये मासी चुरा के लाई थी मेरे लिए। हम कैसे गए थे? ये चीजें भी है यहाँ पर। ओहो, मतलब इन्होंने डेकोरेशन का पूरा सामान रख रखा है, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, शादी हो या कुछ भी हो, ए टू जेड सब मिलेगा। और ये इफा देखो कैसे देख रही है, शर्म आ गई, यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो ये भाई अपने नहीं, वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उनका सामान इंट्रोडक्शन दे रहा है पूरा। या आप इनका सामान देख रहे हैं ना, कितना अच्छा सामान लगा रखा है, सब चीजें इनकी क्वालिटी इंट्रोडक्शन दे रही है सारी। ये इंट्रोडक्शन देंगे ना क्वालिटी, ये देगा तुम दे दो ना, बताओ क्या क्वालिटी, सवाल करो, मैं क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, तुम सवाल करो जवाब दो। तो इन्हें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत, फैंस यहां पे आए लेने के लिए, अभी आए थे, अभी एक घंटे पहले आए थे, 2000 रुपए का सामान लिया था, मैंने नहीं मैम पहले से सब्सक्राइबर आ चुके हैं यहाँ पर। ये डिस्काउंट देंगे जिसको भी आना, मेरा नाम दे देना और डिस्काउंट ये देंगे, और ना दे तो मुझे बताना। मैं ये जगह है बल्ली मारन में, राबिया स्कूल बल्ली मारन। आपको यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ काफी बार आ चुकी हूँ, मुझे कुछ भी बनवाना। काफी बार आई हूँ मगर पहले एक वीडियो नहीं बनाई तुमने, इतना टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं ऑर्डर देके चली जाती थी। मैंने काफी अपने डेकोरेशन का सामान यहीं से लिया है, और इनके बर्थडे का भी इन्हीं भाई से करवाया था, तो जिसको भी बर्थडे डेकोरेशन का जो भी कुछ भी करवाना हो जिनको बुकिंग करे ऑर्डर दे, मैं इनका एड्रेस और फोन नंबर मेंशन कर दूंगी, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डिस्काउंट भी देंगे ये, और एवरीथिंग जो भी आप लोगों को बनवाना हो, तो कुछ भी ए टू जेड कुछ भी बनवाना है सब बन जाएगा। राबिया स्कूल के पास आए और अच्छे साहब से मिले, अत्यब हसन। ये देखो, ये बोलते नहीं है, इनकी क्वालिटी खुद इंट्रोड्यूस करती है, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि खुद ही इंट्रोड्यूस करती है। देखो वो आप लोगों को नजर ही आ रहा होगा। आपको बुरी लगे और कुछ भी खराब लगे, मैं आपको एक आइडिया, एक रास्ता बताती हूँ। ये रोज रात को चांदनी चौक पे बैठते हैं। हाँ हाँ, वहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं आप लोग, चांदनी चौक पे आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। दो बजे तक इस चीज की टेंशन न ले, आप करते हैं इस चीजों की नाइट ड्यूटी तक है, दो बजे तक, दो बजे 11 बजे से 2 बजे तक ये बाकी अपने आलतू फालतू दोस्तों को बटोर लेते हैं। आलतू फालतू में तुम्हारे मियां भी आते हैं, वो तो है ही। तो गाइस, नूर का बर्थडे बन रहा है बाहर। ये बर्थडे बना रहे हो तुम मेरा है? ये देखो रहा। असल में हमने कोई तैयारी नहीं करी, आज नूर का बर्थडे लग गया है, मगर मैंने बस विश कर दिया मैंने इनको हैप्पी बर्थडे नूर। इस बार ये इनका ना असल में थोड़ा सा हमारा हिसाब नहीं था, मसला खराब चल रहा था, इस चक्कर में कुछ करा नहीं, तो मैं इनको बस बाहर घुमाने ले आया था। बाहर भी क्या घूमे हम, बस लगे हुए इधर से उधर। तो चलो कोई बात नहीं, बर्थडे बाहर घूम, ये ऐसा बर्थडे भी होना चाहिए कि बाहर घूमे इंसान। तो मैं आप ही के लेकर आया था इनको, आप ही के भी मिल लिए, अब जा रहे हैं घर, तो इनका बर्थडे बनाएंगे कल, ठीक है। अब हम आ गए चांदनी चौक। बर्थडे देखो कहाँ बन रहा है, चांदनी चौक पे, मतलब घूमने फिरने में बर्थडे बन रहा है, सही है ना, ऐसे घूमने फिरने में बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं भी याद रखूंगी। चलो 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 चलो, गुस्से हो गया। ऐसा लगा मेरा मजाक, ये होता है मजाक, क्या वो फूटा नहीं? फूट गया, चप्पल कागज, चप्पल तो बाहर उतारो इसकी, चप्पल कागज साथ हुई आए, वाह कैसा मिला सरप्राइज। अच्छा, आ जा अंदर, आ जा।
चलाओ जरा। अबे तेरा यहाँ भी यही चलिए बंद हो गया। शकील ने बड़ा मजा का गाया था, बेहतरीन गाया था यार। काट दे तो दे ये भी है। ये नहीं लगा रही मैं, भाई आया तो लगाओ इसको। नहीं उसको कोई बात नहीं, लगा के हटा देना बस। वाह भारी भारी लग रही थी मेरी। कहाँ था ना, ये बना लो भाई। ये लाएंगे पीछे ना मैं पीछे तो पीछे वीडियो नहीं बन पा रहे। अरे पहनो तो आप ही लाओ ना। अरे नहीं नहीं पहनो, तुम सब पहन लो अम्मी की तरफ से। ताली वाली को बजा दो कम से कम। बुला बुझा लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, थ्री टू यू। चक्की डाल सही था ना। ए भाई साहब अल्लाह के नाम पे ना, भाई साहब अल्लाह के नाम पे बढ़ाओ। वो आपको कैसा लगा ये बताइए। मुझे सरप्राइज बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और सबने बहुत मेहनत की, सबने मिलकर मेरे लिए इतना अच्छा इतना प्यारा सरप्राइज दिया है। और मैंने कभी मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैडम का कहना यह था बस तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है, तुम कुछ नहीं करोगे, तो इसी वजह से सुनना पड़ रहा था थोड़ा सा। और मैं इसलिए घुमा रहा था इधर से उधर, आप ही के भी घुमाया, अतीब की दुकान पे भी ले गया, इसी वजह से घुमा रहा था आज रात को बाहर। लेकिन बहुत बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सजाया सबने मिलकर। मतलब जितनी मेरी फैमिली है, मेरी बड़ी जेठानी, छोटी वाली दीवरानी, ननद, अम्मी, यहाँ के जो मेरे कज़न लगते हैं वो सब ने बहुत मेहनत की है। सबको थैंक यू सो मच और इनको भी थैंक यू सो मच। अपना काम छोड़ के सुबह गया हूँ, सामान लेकर भी आया हूँ और मुझे कुछ भी नहीं बताया इन्होंने, कुछ भी नहीं बताया। मैं बहुत 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 खुश हूँ, थैंक यू सो मच। तो फाइनली रूम अच्छा सजा और नूर का बर्थडे भी बन गया, सब अच्छा हो गया। चलो तुम खुश हो गई, बहुत बस यही काफी है, तुम खुश हो गई, मिल गया। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वो शुरू में बोला नहीं था। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और ये भी बहुत आज बहुत खुश है, इनका बर्थडे है। मेरे को विशेष में दुआ दीजिएगा बहुत सारा और बस दुआ ही चाहिए और कुछ नहीं। और वैसे बर्थडे सेलिब्रेट में करती नहीं हूँ, बट फॉर्मेलिटी के तौर पे सब केक कार्ड कट कर देते हैं। और कल छोटा सा मतलब फंक्शन होगा, लेकिन मैंने अपने घर वालों को इन्वाइट नहीं किया है क्योंकि मैं अपने घर जाऊंगी, तो मैं उनके साथ वहीं मनाऊंगी। और तो आज आप खुश है ना? जी बहुत। चलो अल्लाह का शुक्र है, किसी तरह तो खुश हुई। चलो ठीक है, बाय।
ये अम्मी का है, का खुल रहा है कि ये खुल गया, ये खुल नहीं रहा था, ये खुल गया बरिश्ता वाला। वाह इसमें टॉफी है, अबे तो कुछ और ही लग रहा है। ओ वाओ स्टार, ये नाक की लॉन्ग है। वाओ नाक की लॉन्ग, थैंक यू सो मच। जवाब नहीं, ये तो बड़ा अच्छा गिफ्ट है। ये तो सारे गिफ्टों को फेल कर दिया इसने। रात में तारे दिख गए तुम्हें, पकड़ो कल पहनेंगे। सही लगा, पहन लोगी ना? हाँ हाँ, ये अम्मी का है। ये मेरे पास हैंड नहीं था। अच्छा है समायरा, दाने दिए है ना? कैसा है समायरा? अच्छा है, ये तो घूम ही रही है। बैठ के चॉकलेट लिया। हाय जाओ खोलो। ये मेरे हस्बैंड ने रिंग दी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच, वेलकम। ये लीजिए आप, ये अदीप भाई ने दिए चॉकलेट। ये अदीप भाई की तरफ से, थैंक यू सो मच। ये चितली कवर वाले अदीप भाई हैं, और अजहर भाई की तरफ से ये पूरा सजावट है। बड़ी मेहनत से सजाया इन्होंने, वैसे भी इनको काम मिलने वाला है सजाने का, जिस तरीके से सजावट कर रहा है ना। ये वूलन सूट, वूलन सूट पहन के दिखाऊंगी, अभी तो पैकिंग रहने दो। ओपन वूलन सूट है ये। यो वाओ, वाह जी वाह, माशाल्लाह। मनाली जाओगी ना? काम आएगा ये। हां हां हनीमून में जाएंगे। ऐसा लग रहा है तू वो तो लोकसन बन गया दीप। आज हमारी भाभी का बर्थडे है। मेरी बहू का बर्थडे है। मेरी बहू का बर्थडे है। मामा क्या बरी? मैच की दीवार नहीं चलती। चलो चलो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, मेरी सुबह आज हुई है 10 बजे, तो मैं सो के उठ चुकी हूँ। अब मैंने मतलब ब्रेकफास्ट किया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, और आज मैं अपनी जो मेरी अम्मी है, मैं आज उनका सूट पहनने वाली हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ ये सूट मेरा। ये उनका फेवरेट सूट है, क्योंकि अब्बा जी ने उनको दिया था, और ये सूट बहुत पुराना सूट है, जयपुरी। एक टाइम पे इसका बहुत क्रेज़ चला था जयपुरी का, और अब्बा ने उनको ये सूट दिलाया था, तो इन्होंने बहुत संभाल के रखा था। लेकिन अब मेरे अब्बा है नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और ये सूट तो फिर मैंने उनके मतलब अलमारी में से सूट निकाल लिया था, तो मैंने इसको ट्रैकलिन पे दिया था, तो ये ट्रैकलिन से कल आ गया था, तो आज मैं नहा के भी यही पहनूंगी। तो अभी मेरी अम्मी सो रही है, तो देख के खुश होंगी, और मुझे नहीं पता ये ढीला है या फिटिंग का है ये नहीं आएगा, लेकिन मैं पहनूंगी, अगर ढीला भी आएगा तो भी पहनूंगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपनी सास का सूट पहनूंगी, लेकिन माशाल्लाह उनके पास बहुत अच्छे अच्छे सूट हैं, लेकिन वो कहती है ले लो, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया अभी, तो मैं अभी यही पहनूंगी। और बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने मुझे बहुत विशेस दी, रात को सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शौक थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं गुस्सा थी, लड़ाई कर रही थी समीर से बाहर कि तुमने कुछ नहीं किया ये वो, और लेकिन इतना कुछ हुआ हुआ था घर पर। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि
खीर की भी रस्म है, तो आज मेरी जो देवरानी है उनका उनका खीर में हाथ लगवाएंगे, तो खीर बनेगी आज, और उनके घर से भी लोग आएंगे, फैमिली आएगी उनकी, तो एक चीज़ में दो दो खुशी होगी। आज का दिन बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और आज फ्राइडे है, सबको जुम्मा मुबारक हो बहुत बहुत। तो और मैं दिखाती हूँ, समीर यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो यू कर रहे हैं मुझे मत दिखाओ कि ये देखो। तो अब मैं चाहिए रेडी होने, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैंने ये सूट पहन लिया है, आप देख सकते हैं, दिखा रहे हैं, पूरा दिख रहा है। तो ये मेरी अम्मी का सूट है और माशाल्लाह बिल्कुल फिटिंग आया है। मेरी अम्मी पहले बहुत पतली थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे बहुत पसंद आया जयपुरी सूट है उनका, और ये माशाल्लाह बहुत बहुत उनका फेवरेट सूट था, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है मुझ पे। तैयार होने जा रही हूँ और सब आने वाले हैं, और सब कुछ रेडी हो चुका है, सारे काम फिनिश हो गए हैं, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो इस समय शाम के 8:30 बज चुके हैं, सॉरी रात के। तो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ जो मैं पहनने वाली हूँ। मैं ये पहनने वाली हूँ, ये सूट याद होगा आप लोगों को, ये मुझे हिना ने दिया था जब मैं उनके घर पे दावत पे गई थी, तो ये मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, तो आज मैं ये पहनूंगी। ये मैंने चूड़ियाँ बनवाई है, और गले का मैं ये पहनूंगी, और दुपट्टा तो ये है। तो अब मैं रेडी होके। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, ये भी बहुत खुश है, ठीक है। तो जैसे कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये भी रेडी हो चुके हैं, ये लेट आए हैं, 10 बजे आए, काम ज्यादा था, और हमारे घर में फंक्शन भी है मेरे बर्थडे के साथ साथ, क्योंकि मेरी जो देवरानी उनका खीर की रस्म है, तो खीर बनाई उन्होंने, तो आज के बाद से वो काम करने लगी घर का, और मैं उनसे काम करवाऊंगी। ये देखो सब। तो सरप्राइज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया था, और मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ होगा। तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, और मैं बहुत खुश हूँ, और थैंक यू सो मच रिंग देने के गिफ्ट में, मैंने गिफ्ट में इन्होंने मुझे गोल्ड की रिंग दी है, और सबने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। ये देखो ये बुराया भाई है। तो और बस वीडियो पूरी देखना, मेरा सूट दिखा, वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखो ये मेरा सूट। ये केक कट रहा है बर्थडे का, सेकंड केक भाभी की तरफ से, ये इफा और समायरा की तरफ से। ऊपर तो करो, थोड़ा फेस नहीं आ रहा। ये मेरा केक कट रहा है इफा और समायरा की तरफ से, ये दोनों लेकर आई है, और पूरी पूरा फंक्शन फिनिश हो गया, लेकिन मैंने क्लिप नहीं बनाई है क्योंकि उस रीजन थे, और अब मैं केक कट कर रही हूँ, तो देखो चलो पकड़ो। और ये समायरा और इफा के साथ केक कट रहा है, फूकना है अभी नहीं। अब्दुल भी आ गया, पीछे 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 पीछे, अरे पीछे उधर उधर पीछे पीछे पीछे, जल्दी जल्दी पीछे पीछे, ऐसे अब्दुल बाद में आ रहा, चलो हैप्पी बर्थडे, अरे हैप्पी बर्थडे कौन बोलेगा। और ये केक कट हो गया इनका, कितना मजा लेती है थोड़ा सा खा लो। अरे वीडियो बना तुम्हें खिलाओ, ये केक खा लो गाइस, केक खा लो भाभी, ये दे दो बाहर, तुम लेना ना, मैं तेल लगा रही हूं, किसके ये ना।